हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा फेजर के बारे में। सो दोस्तों, आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं यहाँ पर आपको फेजर के बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता फेजर चीज़ क्या है और फेजर डायग्राम कैसे आगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए, तो आप ये वीडियो देखते रहिए। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्ट। बेसिकली फेजर क्या होता है, आप पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। मान लीजिए, ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ फेजर क्या चीज़ है। मान लीजिए ये एक वेव फॉर्म है, मतलब एक साइनसॉइड एसी वेव है, मतलब एक एसी साइन वेव है। आप मैं यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक एसी वेव है, और अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो इसका जो पीक पोर्शन है, ये पीक पोर्शन होगा, ये सर्कल का पीक पोर्शन ये है। और अगर मैं यहाँ से थीटा डिग्री डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पर ले लूँगा, तो यहाँ पर जो पोर्शन यहाँ पर आएगा ये होगा थीटा डिग्री। तो सिंपल इसको ही बोलते हैं फेजर, ठीक है। तो अब अगर आप लोग फेजर की शुरुआत से लेकर जानना चाहते हैं, तो ये है, अगर मान लीजिए ये बी होगा तो ये होगा आई, मतलब ये एक्स एक्सिस में आई होगा और यहाँ पर होगा वाई एक्सिस में होगा बी। यही है सिंपल फेजर। और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अब यहाँ पर रेफरेंस है आई, आप देख लेते हैं रेजिस्टेंस का फेजर क्या होगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस का वोल्टेज है वी आर और करेंट है आई आर। तो इसका अगर मैं वोल्टेज की रेफरेंस से फेजर को ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पर होगा वी आर और यहाँ पर होगा आई आर। मान लीजिए स्टेप आई करेंट है, तो ये है इसका फेजर। अब अगर मैं इसके साथ एक इंडक्टर को अटैच कर दूंगा, तो इंडक्टर के लिए फेजर यहाँ पर आप में आएगा, तो ये होगा वी एल। मान लीजिए इस इंडक्टर का यहाँ पर वोल्टेज है वी एल, तो फेजर यहाँ पर होगा वी एल। आप मान लीजिए कैपेसिटर में यहाँ पर अटैच कर देता हूँ वी सी वोल्टेज का कैपेसिटर, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगा वी सी। सो अगर मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो फेजर कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगा वी आर और यहाँ पर होगा वी एल, और यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा वी सी, और यहाँ पर जो पोर्शन यहाँ पर आएगा ये है वी आर एल सी। यही है सिंपल ये इसका फेजर डायग्राम। तो दोस्तों, यही है कैपेसिटर, इंडक्टर और मतलब आर एल सी सर्किट का फेजर डायग्राम। आप दोस्तों देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम की बारे में। पहले दोस्तों, आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, अगर यूनिटी पावर फैक्टर कहीं पर भी होगा, अगर मान लीजिए कि यूनिटी पावर फैक्टर है, तो फेजर हर वक्त इस तरीके का दिखेगा। और अगर वो चीज़ लैगिंग में होगा, मतलब लैग करेगा, तो फेजर हमेशा इस तरीके का दिखेगा। और ये है लैग एंगल, मतलब थीटा में इसको लिख देता हूँ। और अगर दोस्तों वो चीज़ लीड करेगा, तो वो चीज़ होगा यहाँ पर, इसको मैं थीटा ही धोड़ लेता पकड़ लेता हूँ इसको। तो ये है लीड एंगल, मतलब ये थीटा वन है लीड एंगल और थीटा टू है लैग एंगल, और ये है यूनिटी। यही है सिंपल फेजर का फंडामेंटल लॉ, वी प्लस आई इंटू जेड एस। यही है एक इक्वेशन जहाँ पर जेड एस है आर ई प्लस एक्स एल। तो आप इसका जो फेजर डायग्राम हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यही है सिंप्लीफाई। आप मान लीजिए इसका फेजर डायग्राम कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर फेजर डायग्राम आपको वोल्टेज को रेफरेंस पकड़ के आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ पर भी, मतलब भी को मैं यहाँ पर रेफरेंस लिया हूँ, और आप यहाँ से जो करंट है वो लैग में रहेगा, क्योंकि ये इंडक्टर है, तो ये इंडक्टर के लिए करंट लैग में होगा। तो यहाँ पर इसको सीधा ड्रॉ करके, मान लीजिए 30 डिग्री लैग में है, तो मैं यहाँ पर इसको प्रोजेक्टर की जरिए मैं यहाँ पर 30 डिग्री ड्रॉ कर लूँगा। मान लीजिए यहाँ पर है, और 30 डिग्री मतलब यहाँ पर आएगा, मान लीजिए ये आएगा यहाँ पर, ये है 30 डिग्री लैग,
30 डिग्री लैग में है और ये है करंट I इंटू आर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, मतलब एक इंडक्टेंस हमेशा 90 डिग्री में रहेगा, तो मैं यहाँ पर इसको 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, यही है। तो ये आ गया हम लोगों का इंडक्टेंस की I इंटू एक्स है। अब जो रेफरेंस मतलब E0 यहाँ पर होगा, ये होगा इस तरीके से, ये है E0। तो ये है सिंपल फेजर। अब इसका पैरेलल होगा I, मतलब ये जो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर आएगा। तो इसका पैरेलल जो होगा ये होगा I, ये भी 30 डिग्री है। तो ये है कॉम्प्लीट इसका फेजर। अब यहाँ पर लेके ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है I इंटू जेड, मतलब ये है जेड एस, ये वाला पोर्शन जेड एस, मतलब ये और इसका जो ये है जेड एस। तो यही है सिंपल फेजर। अब मान लीजिए आपको एक सर्किट दिया गया है, मतलब यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर और यहाँ पर एल और यहाँ पर है सी और इसका है माइनस टू और इसका है एट, मतलब है इसका वैल्यू है 2, इसका है 8 और इसका है 6। तो आप इसका फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ आप इसका फेजर कैसे ड्रॉ करते हैं करेंगे मैं। सो दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा एक वोल्टेज सोर्स, मतलब V। अब यहाँ पर है वी आर, मतलब यह है वी आर, यह वी आर और वी आर से सीधा जाएगा मतलब वी, यहाँ पर होगा वी एल, ये होगा वी एल। अब ये है 6, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू होगा 6 और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगा 8 और अब है बी सी, तो यहाँ पर आएगा बी सी, ये है बी सी। तो यहाँ पर इसका इसका वैल्यू होगा 6 माइनस 8 माइनस 2। अब दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, मतलब वी आर एल सी जो वोल्टेज है, ये है वी आर एल सी वोल्टेज, यहाँ पर वी आर एल सी वोल्टेज होगा वी आर प्लस वी एल माइनस वी सी, तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 6 इजिकल टू 12, तो इसका वोल्टेज होगा 12। यही है सिंपल फेजर दोस्तों। तो दोस्तों, और ये जो एंगल है, ये है लीड एंगल या लैग एंगल, यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये होगा लैग एंगल। दोस्तों, यही है सिंपल फेजर डायग्राम। अगर आप लोग फेजर डायग्राम अच्छी तरह से समझ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।